बक्सर में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में किला मैदान में जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उनके साथ SP मनीष कुमार तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके पूर्व DMSP के द्वारा परेड की सलामी ली गई, तत्पश्चात ध्वजारोहण हुआ और फिर विभिन्न विभागों तथा संस्थानों के द्वारा मनोरम झांकियां निकाली गईं। किला मैदान के साथ साथ SP कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, नगर थाना, समाहरणालय तथा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर भी राष्ट्रध्वज फहराया गया। अपने संदेश में जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि आज जिला उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कई विकास योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि इन विकास योजनाओं के कारण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उसका हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के लागू हो जाने के बाद लोगों के जीवन में जो खुशहाली आई है उसका प्रतिफल जिले में भी देखने को मिल रहा है। शराबबंदी कानून का बखूबी अनुपालन कराया जा रहा है और नियमित रूप से शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किला मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली झांकियों को पुरस्कृत भी किया गया, साथ ही समाज हित में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों की सराहना भी की गई। DM ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में जीविका जैसी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।